सो वेलकम बैक गाइज अगेन, मैं आ गया हूँ आपके लिए अनदर एक व्लॉग लेके। सो गाइज, आप सबको पता है आज 14 तारीख हो गई है और बकरीद की बस अब 13 से 14 दिन और रह गए हैं। और ये साहब के सामने जो मैंने आपसे कल भी बोला था कि उर्दू पार्क ही देख सकते हैं, ये एक पर्ची है जो जहाँ पे बकरे आएंगे बाड़ा नंबर एक, तो उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा कि कब में बकरे आएंगे और कैसा क्या क्या और होने वाला है। तुम उससे पहले आप मेरे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि इसमें नई नई अपडेट अब मिलेंगी और मेन बात मंडी की अपडेट बहुत मिलेगी। और ये है, चेक करें आप, बहुत ही शानदार क्वालिटी के बकरे। इसमें सारे बकरे मिक्स हैं, ये नहीं कि एक ही नस्ल होती है, इसमें सारे नस्ल मिक्स हैं। और ये बकरे मिल जाएंगे आपको कासिम के पास। और बंदे बोल रहे हैं कि तुम एक ही वीडियो डालते रहते हो कासिम की, भाई मैं उन्हीं लोगों की डालता हूँ जो ट्रस्टेड लोग होते हैं ना, उन्हीं की वीडियो डालता हूँ मैं। अब ये नहीं है मैं किसी की भी उठा के वीडियो डाल दूँगा। अब तुम फिर अगर किसी ने वहाँ जाके फ़ोन कर दिया तुमने कि बकरा पसंद आ गया, उसने पेमेंट करवा दी तुमसे, फिर फंस जाओगे तुम लोग बोलोगे। तो भाई अपने रिस्क पे ही सब कुछ करो। मेरे को ये बंदे सही लगते हैं इसलिए मैं इनकी वीडियो डालता हूँ। बाकी ऑनलाइन पेमेंट ना करो, वहाँ जाके खुद ही देखो और लाओ बकरे। ऑनलाइन पेमेंट किसी को भी मत करना, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था। और रही तुम्हारा जामा मस्जिद बकरा मंडी की बात, वो बहुत ही जल्दी अब लगने वाली है। और वो जो मेरठ से जो बिरयानी वाला आता था बंदा, वो कल आके वहाँ पर बैठ गया है। तो धीरे धीरे अब माल भरने वाला है, यूपी का ही माल आ रहा है। सबसे पहले जो बात है, यूपी का माल आएगा। और जो जिन लोगों को मेवाती बकरे ज़्यादा पसंद हैं, तो जो भाई मेवाती लोग जो आएंगे वो आएंगे तुम्हारे 22 तारीख से। मेरी बात हुई है 4 से 5 लोगों से जो बकरे लेके आते हैं वहाँ पे, तो वो लोग आएंगे आपकी 22 तारीख के बाद, मतलब 22 तारीख को आ जाएंगी रात को। तो उस हिसाब से चलें, अगर थोड़ा जल्दी जाएंगे तो वही देसी बकरा मिलेगा, बट बढ़िया माल रहने वाला है आपकी वजह हमें मंडी में भरपूर माल रहने वाला है। और रेट भाई, आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा ना लगाएं, सही लगाएं। और बकरे वालों से भी गुजारिश है कि वो भी मुनासिब रेट मांगें। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को मैं दे देता हूँ गाज़ीपुर की अपडेट। गाज़ीपुर में कुछ ब्लॉगर जो थे, वो उन्होंने जो बकरों के रेट हैं वो बड़े सस्ते बता रहे थे। बड़े बड़े बकरे 10,000 रुपये के, 12,000 रुपये के। तो अब गाज़ीपुर में बंदा शूट नहीं कर सकता, वहाँ पे सिविल में बंदे घूम रहे हैं पुलिस वाले और उनका फ़ोन छीन रहे हैं। तो प्लीज़, अगर कोई वीडियो भी बना रहा है, कोई भी ब्लॉगर मेरे को सुन रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो भाई सही इन्फॉर्मेशन दो, गलत मत दो। क्या फ़ायदा, तुम गलत इन्फॉर्मेशन दोगे बंदे फंस जाएंगे वहाँ पर। सोचिए, कुछ आते हैं बेचारे, फिर करना कुछ पड़ेगा उन्हें। तो ये सब ना करें, बिल्कुल सही से इन्फॉर्म करें बंदे को, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। तो ये दोनों की अपडेट मैंने दे दी है आपको। और अगर सीलमपुर की अब जो अपडेट रहेगी, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। बकरे जब भी आएंगे वो वीडियो बना के आप लोग चैनल पर डाल दूंगा। उसके लिए आप लोगों को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है और ऑल पे क्लिक कर लेना है, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो आ चुकी है। चलें आप एक बार इस वीडियो में देख लेते हैं बकरे। कोटा बकरे इसमें ज़्यादा हैं, मेवाती, कोटा, तोता परी और कुछ देसी भी हैं। अच्छे बॉडी वेट पे ये पट्टी है और 60 केजी के अंदर अंदर की पट्टी लग रही है मेरे को ये आराम से। किसी को पट्टी में चाहिए तो बात करें, अगर किसी को सिंगल चाहिए बात करें। और वैसे भी अब तो मंडी लगने वाली है, मंडी से सौदा खरीदें तो ज़्यादा बेनिफिट है। माल आने दो मंडी में। तो बकरा भरपूर आएगा इंशाल्लाह की, और भरपूर सारी मंडी ट्राई करें, सारी साल में एक बारी तो ईद आती है, सारी मंडी ट्राई करें जितनी भी दिल्ली में मंडी लगेगी, ओखला मंडी हो, जामा मंडी हो, गाज़ीपुर मंडी हो, और जो भी तुम्हारी और भी जो मंडी है ना, वो सब आप एक वो करें। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तो लाइक करें
अल्लाह हाफिज़ गाइस, मिलता हूँ, बाय। आ जाओ आ जाओ। क्यों नहीं कर रहे आप वीडियो कॉलिंग पर?